आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अपनी कमर कस ली है। वह दुर्ग शहर और दुर्ग ग्रामीण के लिए चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर दुर्ग सांसद और दुर्ग लोकसभा संयोजक की उपस्थिति में किया गया। भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में चुनाव कार्यालय दुर्ग के पटेल कॉम्प्लेक्स पद्मना पूर्व ग्रामीण का कृष्णा टॉकीज रोड रिसाली में दुर्ग लोकसभा संयोजक चंदूलाल साहू, सांसद विजय बघेल, जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, शहर विधायक गजेंद्र यादव, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर की उपस्थिति में खोला गया। इस मौके पर दोनों स्थानों पर बड़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। दुर्ग विधानसभा सीट से इतनी बड़ी लीड भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी कि माननीय विधायक गजेंद्र यादव जी ने जो 49,000 की विशाल लीड ली है उसको भी तोड़ करके कम से कम। हालांकि लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने भाजपा कार्यकर्ताओं ने काफी पहले से कमरकस तैयारी कर ली है और एक माह पहले गंजपारा में लोकसभा के केंद्रीय चुनाव कार्यालय खोलने के बाद अब विधानसभा स्तर भी कार्यालय खोलकर मैदानी तैयारियां मजबूत कर ली जा रही है। इस मौके पर बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लोकसभा संयोजक चंदूलाल साहू ने बताया, पूरे देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने जा रही है और वे चुनाव की प्रतीक्षा में हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में दुर्ग लोकसभा सीट में फिर से रिकॉर्ड जीत हो, इसके लिए दुर्ग शहर के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को शहर विधानसभा में मिली भाजपा की लीड के रिकॉर्ड को तोड़ना होगा। सांसद विजय बघेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, आने वाला चुनाव केवल नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का ही नहीं होगा बल्कि उनके नेतृत्व में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी महाशक्ति व विश्व गुरु बनाने का है। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, हमारी पार्टी सतत रूप से काम करती है, चुनाव को दृष्टिगत रख के कोई काम नहीं करती। संगठन का काम सतत चलते रहता है, जनसेवा का, राष्ट्र सेवा का काम सतत चलता है। चूँकि अब चुनाव आए हैं इसलिए जो चुनावी व्यवस्था है उसके तहत हमने 30 जनवरी को 2024 को यहाँ पर दुर्ग लोकसभा के मुख्यालय में दुर्ग लोकसभा स्तरीय कार्यालय गंजपारा में खोले। उसके बाद पार्टी नेतृत्व में आदेश किया कि पूरे देश के सभी विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव के तहत वहां कार्यालय खोले जाएंगे और उसी के तारतम्य में आज हम लोग लगभग 4 जगह अहिवारा विधानसभा का भिलाई 3 में, पाटन का पाटन में और दुर्ग ग्रामीण का रिसाली में और आज यहाँ पटेल कॉम्प्लेक्स में दुर्ग शहर विधानसभा का कार्यालय खोले हैं। साजा में भी आज कार्यालय खुले हैं। हमारे 9 विधानसभा है उसमें से 5 में आज कार्यालय खुले हैं, 4 में उसकी तारीख तय की जाएगी और हमारे जो प्रभारी हैं माननीय चंदूलाल साहू जी उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ जितेंद्र वर्मा जी हैं, हमारे विधायक गण हैं ललित चंद्राकर जी, भाई गजेंद्र यादव जी, इन सब के सामूहिक और जो भी जितने और अन्य जो विधानसभा वहाँ जो विधायक गण हैं उनके नेतृत्व में काम चल रहा है और संगठन के नेतृत्व में काम चल रहा है। न्याय दो और रोजगार दो को लेकर के कांग्रेस महाअभियान शुरू किया। इस दौरान जब प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दुर्ग पहुंचे तो उनसे जब पूछा गया कि जो बीरनपुर हत्याकांड के मामले में सीबीआई जांच हो रही है तो उनका कहना ये था कि भाजपा हमेशा लाश पर राजनीति करते आई है। देखिए, ये लोग क्या कहते हैं, क्या इनके जुबान में है, ये कुछ समझ नहीं आता। कांग्रेस पार्टी हमेशा से पता नहीं किस मानसिकता में ये लोग रहते हैं, इनको हर चीज़ मजाक सा लगता है। कोई लाश में राजनीति करेगा? लाश में तो राजनीति ये लोग किए थे। जब हमारे जवान पुलवामा में और कई जगह दुश्मनों के साथ अटैक किए तो उनके ऊपर प्रश्न उठाया करते हैं ये लोग तो देश के सैनिक जो अपने जान को बाजी का लगाकर सरहद में हैं, देश की रक्षा के लिए लगे हैं और जान की कुर्बानी देते थे, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोग हैं। तो ये लोग की बात में क्या हम कहें? अरे, इन्हीं के कार्यकाल में तो वीरनपुर कांड हुआ, तब क्या कर रहे थे ये? और इन्हीं के पार्टी के समर्थक लोग किए, तब ये क्या कर रहे थे? आज बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। तो हमारे मानो मुख्यमंत्री जी उसको गंभीरता से लेते हुए सीबीआई जांच के आदेश किए हैं, ये तो हमारे लिए फक्र की बात है, घरों की बात है। इसकी बारीकी सामने आए क्योंकि एक जटिलता उनके दिल में हो गई है। क्या तैयारी है?
तैयारी संबंध में ऐसे 11 लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है 30 जनवरी को, और आज 29 फरवरी को दुर्ग लोकसभा चुनाव को अगर देखा जाए विधानसभा स्तरीय कार्यालय का उद्घाटन आज हो गया। सभी कार्यक्रमों का ऑन कर दिया गया, कमर कस लें। अब हम बूथ स्तर पर जाएंगे और जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की उपलब्धि है उनको बता करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उसको लाएंगे। इसके साथ साथ अधिक से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करना चाह रहे हैं, उनको सबको हम प्रवेश भी करा रहे हैं। अभी ग्रामीण का उद्घाटन हुआ, उसमें 22-23 हमारे भाई बहन भारतीय जनता पार्टी प्रवेश किए हैं। जी, रोजगार दो न्याय दो इसको लेकर के कांग्रेस ने एक महाअभियान शुरू किया है, और उनका कहना ये है कि बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी भत्ता बंद कर दी गई है, सिलेंडर भी नहीं दिया जा रहा है। 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात कही गई थी, वो भी भाजपा ने पूरा नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी के शहजादा देश में भारत जोड़ो और न्याय यात्रा निकाला गया है। हिमाचल में उसी के परिणाम ये हुआ कि उसके 6 विधायक क्रॉस वोटिंग किए हैं, जिसके कारण से उसके राज्यसभा में कांग्रेस जो प्रत्याशी उसको हार के मुंह खानी पड़ी। 5 साल तक किसने कुछ किया नहीं। अगर केंद्र की बात करें, 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही, सिर्फ घोटाले किए और अधिकांश मंत्री उसके, चाहे सुरेश कलवाड़ी हो चाहे गनी मुझी हो, जेल की हवा खाए। उसी प्रकार से भूपेश बघेल के 5 साल के कार्यकाल में जो घोटाला हुआ, चाहे कोयला का घोटाला हो चाहे डीमेप का घोटाला हो, 3-4 अधिकारी तो जेल की हवा खा रहे हैं, 5-6 उनके नेता भी जेल में बंद है। इसके साथ साथ इसी जिले का मामला है महादेव ऐप में, उसमें भी घोटाला किया है। ये न्याय की बात तो कहे इसके मुंह में बोलने के अधिकार नहीं है, इनको इनके मुंह में अच्छी नहीं लगती। तो ये न्याय तो मांग नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी में 10 साल मोदी सरकार में एक भी घोटाला नहीं हुआ, एक भी सांसद विधायक या मंत्री के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा, ये बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं मोदी जी के आने के बाद मोदी की गारंटी के पूरे होने की गारंटी। इसके साथ साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मूल मंत्र को लेकर काम कर रही है। अब ये हमारा चुनाव के लिए बहुत प्रमुख आधार होगा। हम विकास करें और विकास करेंगे। और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ हमने अलग किया, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ दिया, अलग किए हैं और सजाएंगे भी हम। 15 साल जिस प्रकार से डॉक्टर रमन सिंह नेतृत्व में विकास हुआ, और अब विष्णुदेव साय जी के सुशासन में अच्छा विकास होगा। इन सब बातों को लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे और निश्चित 11-11 सीट हम जीत हासिल करेंगे। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।